bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum student today we are discussing about the first law of thermodynamics actually thermodynamics is explaining what happens when we have to add energy to a system and then we observe that the output obtained from the system is always less than the input that we have provided in form of energy to the system actually what's happening inside the system that the output is always less than the input this is because of actually the internal energy that's involving that's increasing inside a system so the first law of thermodynamics has a complete descriptions about the energy transformation across the system or you can say that first law of thermodynamics explain the energy conservation of a about the system of a system so let's see according to a statement abraham look student dicky कि हम किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इनपुट प्रोवाइड करते हैं जो सिस्टम हमें आउटपुट देता है आउटपुट इज़ ऑलवेज लेस देन द प्रोवाइडेड इनपुट देन व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम हमें हमेशा आउटपुट कम ही क्यों मिलता है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है हमें स्टूडेंट वो एक्सप्लेन करके देता है ब्रीफली कि एक्चुअली जो हमारा इनपुट होता है प्रोवाइडेड एनर्जी टू द सिस्टम होता है उसमें एक्चुअली क्या चेंजेस आती हैं हम एनर्जी देते हैं सिस्टम उस एनर्जी के साथ किस तरह से डील करता है दैट इज़ कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट लेट्स इट्स स्टेटमेंट इन थर्मोडाइनमिक प्रोसेस व्हेन हीट क्यू इज़ एडेड टू सिस्टम स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दर्मोडाइनमिक जब हम लोग किसी सिस्टम में हीट क्यू सपोज कर लें ऐड करते हैं दिस एनर्जी अपेयर एज अ इनक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू स्टोर इन दिस्टम जब हम लोग कोई एनर्जी डेल्टा क्यू या क्यू सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं सिस्टम उस प्रोवाइडेड अमाउंट ऑफ एनर्जी में से डेल्टा यू टाइम ऑफ एनर्जी जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है एज इट्स इंटरनल एनर्जी के तौर पर एंड प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स ट्रोडिंग और जो रिमेनिंग एनर्जी है स्टूडेंट वो सिस्टम हमें उसका वर्क डन परफॉर्म करके देता है इट मींस दैट यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हम लोग किस सिस्टम को इनर्जी प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले सिस्टम उस प्रोवाइड इनर्जी में से सम अमाउंट ऑफ इनर्जी को यूज करते हुए अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा एंड रिमेनिंग एनर्जी जो होगी वो हमें वर्क डन के तौर पे वहाँ पेयर होगी एज अ आउटपुट यही वजह है कि हमेशा आउटपुट इनपुट से लेस होती है क्योंकि जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिस्टम को तो सिस्टम सबसे पहले अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करता है उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी है उसको वर्क डन में कन्वर्ट करता है ठीक है अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग देखें स्टूडेंट लेट्स सपोज वी हैव एडिड द क्यू हीट टू द सिस्टम then this heat added to the system is equal to the u2 minus u1 this is what this is the u2 is a final internal energy of system and u1 is a initial internal energy of system so u2 minus u1 is actually change in internal energy of system plus work done व्हाट्स हैपनिंग देयर दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने क्यों हीट ऐड की उसका कुछ हिस्सा डेल्टा यू में कन्वर्ट हुआ मेन कुछ वर्क कुछ हिस्सा आपका इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ ठीक है आपने जो हीट प्रोवाइड की सिस्टम ने उसका कुछ पार्ट जो है ना एज अ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूटिलाइज किया प्लस रिमेनिंग जो एनर्जी थी उसको किस में कन्वर्ट किया वर्क डन में कन्वर्ट किया जो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है जो पार्ट ऑफ़ एनर्जी को यूज़ करते हुए देखिए वो हमारे लिए बेकार है देखिए हमारे लिए तो यूज़फुल वही है जो वर्क डन सिस्टम करके देगा यही वजह ये वर्क डन हमें मिलेगा इंटरनल एनर्जी जो है जो सिस्टम ने इंक्रीज़ की है हमारे हिसाब से वो ज़ाय हो गई है ठीक है तो ये क्यू जो अब आप ऐड करेंगे आपको एक्चुअली आउटपुट पे डब्ल्यू मिलेगा ये डेल्टा यू जो है ये पार्ट ऑफ़ एनर्जी मिसिंग होगा और ये किधर जाएगा इट इज़ Appear as an increase in internal energy of system, and you know that what is the internal energy? Internal energy is actually temperature of a system, and temperature. What is the temperature? You know that temperature is the average translational kinetic energy of the system. So you can say that when you have to add a heat to the system, first of all, the average translational kinetic energy of system increases. And secondly, remaining part of energy is converted into a useful work done by the system. This is the first law of thermodynamics. And first law of thermodynamics is in accordance of the law of conservation of energy. And let's look, look at that, the examples that's involving the first law of thermodynamics. that is so being the first law of thermodynamics, that's the best example. That's so being the first law of thermodynamics is a bicycle pump. जो हमारे पास स्टूडेंट बाईसाइकिल पंप होता है ये भी एक तरह से फर्स्ट लॉ लाइफ की एक बेस्ट एग्जाम्पल है देखिए हमारे पास ये एक मेटेलिक रॉड है स्पोज ले सिलेंडर है ठीक है इसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है ये एक हैंडल है इसका ठीक है और ये इसका आउटलेट वाल्व है हमने क्या किया हुआ है हमने इस बाईसाइकिल पंप का जो आउटलेट वाल्व है उसको ब्लॉक किया हुआ है बाई यूजिंग अ थर्मोकपल थर्मोकपल से हमने इसका आउटलेट वाल्व को क्लोज किया हुआ है क्यों क्योंकि हम लोग इसके क्रास जो गैस मालिक्यूल हैं बाय पंपिंग द पम्प बाय पंपिंग द पिस्टन बाय पंपिंग द हैंडल वी हैव टू डू वर्क वर्कडन ऑन द गैस इन इन दैट सिलेंडर

इसके इनसाइड जो इनक्लोज गैस है उसका टेम्परेचर मेयर करेंगे तो ये टेम्परेचर मेयरमेंट यहाँ पे कोई मीटर हमें देगा बाय सेंसर या हम लोग जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो थर्मोकपल है जो हीट सेंसर सेंसर है यहाँ पे आप हाँ बोल सकते हैं हम क्या करते हैं जब हम इस पंप को पकड़ के अप डाउन अप डाउन पुशअप्स देते हैं पुश करते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करें हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट होती है और जो वर्क डन है वो गैस मालिक्यूल जो इसके अंदर इनक्लोज है स्टूडेंट ये जो सिलेंडर के अंदर क्लोज्ड हैं ठीक है उन पे जो पिस्टन जो है जो द पुश डाउन ये फोर्स एक्सर्ट करता है फोर्स के बिना से इन पे कोई ना कोई होता है वर्क डन वो जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है जो हम वर्क डन की सूरत में एनर्जी इन गैस मॉलिक्यूल को प्रोवाइड कर रहे हैं होता ही है गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस होते हैं ठीक है और ये जो हमारे पास सिलेंडर है ये हीट हीट हो जाता है ठीक है और इसका जो हीट है कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो थर्मोकपल से हम लोग मेयर कर सकते हैं और यहां पे उसकी मेयरमेंट लेते हैं हम लोग क्या देखते हैं जब हम लोग मैकेनिकल डन करते हैं इन पुशिंग हैंडल ऑफ पंप देन दिस मैकेनिकल डन इज कन्वर्टेड इन टू द हीट इनर्जी एट इट विल इट विल अपेयर as an increase in internal energy of the gas molecule enclosed in that system so this increase in internal energy would be a measured by using a thermocouple and actually the increase in internal energy is a temperature then if we look at that the second example of the first law of thermodynamics that's a best conservation of a human metabolism human metabolism is also based the conservation of energy एज अन बींग्स एंड अदर एनिमल्स टू डू वर्क डन दे मूव दे मूव एंड दे टेक दे रिक्वायर्ड अ सम इनर्जी फॉर परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क अगर हम लोग इंसान ह्यूमन बॉडी की बात करें अदर एनिमल्स की बात करें उनके अंदर जो मेटाबोलिज्म का प्रोसेस होता है स्टूडेंट वो भी विद इन अकॉर्डेंस ऑफ फर्स्ट ला ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है एज अन बॉडी हमें हम वर्क डन परफॉर्म करते हैं मूव करते हैं ठीक है उठते हैं बैठते हैं हमें एनर्जी रिक्वायर्ड वेयर डज दिस हीट एनर्जी इज वेयर डज दिस हीट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम इन बॉडी इन एन अदर एनिमल्स दैट्स वी टेक अ डाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस हम लोग डाइट लेते हैं ठीक है तो जो डाइट लेते हैं उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स के बाद वो जो हमारा डाइट है हमारा जो हमारी जो खुराक है वो इनर्जीज में कन्वर्ट होता है ठीक है अब वो इनर्जी किधर किधर यूटिलाइज होता है उसका कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है जो हमने डाइट लिया है स्टूडेंट वो खर्च हो जाएगा टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में खर्च हो जाएगा एंड सम ऑफ पार्ट ऑफ द एनर्जी वुड बी यूटिलाइज फॉर द ब्लड सर्कुलेशन एंड सम ऑफ इट्स पार्ट ऑफ एनर्जी वुड बी यूटिलाइज टू जनरेट टू ग्रोथ द न्यू सेल्स दैट रिप्लेसिंग द डेड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी एंड द प्रोसेस ऑफ द कंजर्वेशन द प्रोसेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी विद इन ऑर्गेनिज्म सेट टू बी अ मेटाबॉलिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हो रही है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का और मेटाबॉलिज्म से हम लोग जब डाइट ले डाइट लेते हैं हम लोग उसका जो एनर्जी है वो डिफरेंट प्रोसेस में मैंने आपको बताया एक लिस्ट बताई है हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर सेल्स की ग्रोथ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है और जो रिमेनिंग एनर्जी होती है उस डाइट का स्टूडेंट वो एज अ स्टोर हो जाता है इंटरनल एनर्जी के तौर पर इन आवर बॉडी वो इंटरनल एनर्जी के तौर पर हमारे स्टोर हो जाता है और हम फॉर डिफरेंट टाइम्स उस इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हैं और डिफरेंट वर्क पर परफॉर्म करते हैं और जब हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं एक्चुअली द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन आवर बॉडी इज डिक्रीज इफ़ वी हैव टू डू वर्क डन वी आर डूइंग अ वर्क डन ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट हैज बीन स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी विच वॉज गिवन बाय द प्रोसेस ऑफ अ मेटाबॉलिज्म तो वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म से हमें जो मिली थी उसकी बेस पे हम लोग वर्क डन परफॉर्म करते हैं क्या ऐसा कभी भी होता है आप इमेजिन करें कि आप लोग कोई कोई ह्यूमन बॉडी उसने काम करना है क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुसलसल डाइट लेगा तो काम करेगा नहीं एक ही टाइम में रेगुलर इंटरवल में हम लोग लेंगे डाइट उसके बाद टास्क परफॉर्म करेंगे हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं है कि जब तक इनपुट मिलेगा तो हम आउटपुट देंगे वो एक्चुअली ये क्या हो रहा है हम डाइट लेते हैं हम उस एनर्जी का कुछ पार्ट एनर्जी के तौर पे अपने अंदर स्टोर करते हैं और डिफरेंट परपजेज के लिए डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में हम उसे यूटिलाइज करते हैं तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था फर्स्ट लाव थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लाव थर्मोडाइनमिक्स इज इन अकॉर्डेंस ऑफ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये अक्सर एम्स के पेपर में आ चुके हैं और इसके साथ साथ इसका स्टेटमेंट आपको चाहिए कि जब आप लोग इसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम उस हीट का कुछ हिस्सा जो है एनर्जी के तौर पर यूज़ करता है और रिमेनिंग एनर्जी जो है वो हमें वर्क डन के तौर पे अपेयर होती है तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़